तो अब हम केक बनाएंगे, ठीक है। तो केक बनाने से पहले यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है, जो जिस मतलब अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के केक बना रहे हो तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में यहाँ पे सर्च करना है। वीडियो एडिटिंग का केक बनाना है तो वीडियो एडिटिंग के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। तो मैं अभी केक बनाऊँगा। बस ये देखो, ये अब मैं लोगों का ही केक बना देता हूँ। लोगों की केक जो है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ पे सर्च कर दो तो लोगो डिज़ाइन, तो ये देखो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा केक जो है ना नज़र आएंगे। मगर पहले फ्रंट पेज पर अपना केक लाना है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इतने सारे जो है ना, ये देखो लोगो डिज़ाइनिंग के ये इतने जो है ना गिग्स बन चुके हैं। इतने गिग्स में आपका गिग फ्रंट पेज पर किस तरह आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को गौर से देखो, इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है ना दिखा देता हूँ कि फ्रंट पेज पर आप लोगों ने जो है ना गिग अपना गिग किस तरह लाना है, ठीक है। तो अब मैं जो है ना यहाँ पे लोगो या बैनर का बना दूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर बिजनेस कार्ड सर्च कर देता हूँ कि इस तरह है, ठीक है। बिजनेस कार्ड सबसे पहले, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर जो है ना, ये देखो बहुत सारे गिग मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने फिर जो है ना कुछ गिग्स ओपन करने हैं, ठीक है। ये भी ओपन कर देता हूँ। 3 या 4 गिग आपने ओपन करने हैं, ऐसे गिग जिसके पास ऑर्डर पेंडिंग में हो, ठीक है। जिसके पास ऑर्डर पेंडिंग में नहीं हो, अब देखो इसके पास जो है ना 38 ऑर्डर पेंडिंग में है और ये इसके पास कितने हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे ही 2-3 गिग खोलने हैं जिसके पास पेंडिंग में ऑर्डर ज़्यादा हो, मतलब 30, 35, 40, 50, 100, ठीक है। जिसके पास ऑर्डर पेंडिंग में हो आप लोगों ने वही उस तरह से गिग। अब इसके साथ 9 है तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये हमारे कुछ काम का नहीं है। इसके पास 22 है, ये भी ठीक है। तो आप लोगों ने 2-3 गिग इस तरह खोलने हैं जिसके पास ऑर्डर पेंडिंग में हो, ठीक है। इसी तरह गिग जिसके पास ज़्यादा हो मगर पेंडिंग में ऑर्डर नहीं हो वह नहीं खोलना है, ठीक है। जिसके पास ऑर्डर पेंडिंग में हो आप लोगों ने 2-3 गिग इस तरह। मैं तो आप लोगों को एक ही गिग पर समझाऊंगा, फिर आप लोग खुद जो है ना डिटेल से 3 या 4 गिग जो है ना खोल दो, तो ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि अपने प्रोफाइल गिग पर जाना है, गिग, ठीक है। गिग बनाना है अगर आप लोगों ने तो अपने प्रोफाइल पर जाना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग गिग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने प्रोफाइल में जाके क्रिएट गिग पर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट गिग पर क्लिक करने के बाद आप, लेकिन मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ कि काम आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि इस बंदे के साथ जो हुआ है आपके साथ भी ऐसा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल है, आप लोगों ने 2-3 जो है ना इस तरह गिग खोलने में, आप लोगों को एक ही गिग पर समझाता हूँ लेकिन आप लोगों ने 2-3 गिग खोलने हैं, ठीक है। लेकिन और बहुत एक ज़रूरी बात, आप लोग फाइवर पे किसी दूसरे बंदे का मतलब डिस्क्रिप्शन या पिक्चर, गिग का पिक्चर या जो है ना इस तरह से चीज़ें कॉपी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और बायर रिक्वेस्ट में जो है ना, मैंने देखे बहुत से लोग जो बायर रिक्वेस्ट के सेक्शन में जो है ना सेलर है मगर वहाँ पर जो है ना पोस्टिंग करते हैं, अपने रिक्वेस्ट जो है ना पोस्ट करते थे, ठीक है। ये देखो इसके पास जो है ना 90%, ये देखो ये नहीं ऑफ़र भी नहीं बेच सकता। यहाँ पे जो है ना बायर रिक्वेस्ट का सेक्शन है, यहाँ पर सिर्फ बायर ही पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मत करो वरना आप लोग बैन हो जाओगे, ठीक है। ये ज़रूरी बात है इसको याद। तो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो है ना जो टाइटल है, हम लोग इसमें कुछ चेंजेस कर देंगे। आप लोगों ने मिलता जुलता टाइटल बनाना है। 3 या 4 गिग ओपन करने हैं, उसमें से कुछ जो है ना इस तरह से निकालने हैं और एक ही टाइटल बनाना है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक पर समझाता हूँ। तो अब हमने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, इसका जो है ना मिलता जुलता बनाना है हम लोगों को। तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं,
तो अब ये हमारा टाइटल हो गया आई विल डिज़ाइन मिनिमलिस्ट बिजनेस कार्ड आई विल डिज़ाइन। तो हम लोग इसमें एक वर्ड डाल देते हैं आई विल डिज़ाइन ए मिनिमलिस्ट बिजनेस कार्ड, ठीक है। तो अब हमारा टाइटल इससे मिलता जुलता हो गया, सेम नहीं है लेकिन मिलता जुलता है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सब कैटेगरी में आप लोगों ने बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, ठीक है। बिजनेस कार्ड कही गई के तो हम लोगों ने बिजनेस कार्ड सेलेक्ट करना है, आप लोगों ने जिस चीज़ का गया वो उसी कैटेगरी में जाके इस तरह करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना प्रोडक्ट टाइप यहाँ पर दे दो को बिजनेस कार्ड है तो हम बिजनेस कार्ड को ही सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइल फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में आप जो है ना हम आप दे सकते हो बिजनेस कार्ड बना के, आप कौन से फॉर्मेट में दे सकते हो, तो AI फॉर्मेट है, JPG है, PDF है, PNG है और PSD है। आप लोग उसी में टेक कर दो जो आप दे सकते हो, जो नहीं दे सकते हो और यहाँ पे आपने क्लिक किया और कल आपको ऑर्डर आ गया और आप मतलब अगर आप AI में नहीं दे सकते हो, आपको पता नहीं कि AI क्या है और क्या नहीं है और आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया और कोई बायर आया आपको ऑर्डर दे दिया और आपको कहा कि मुझे AI में चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे। जिसके बारे में आपको मालूम हो आप इस तरह से वही करो, ये चेंजेस बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने और यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने पेस्ट करने में तो एक ही गिग का दे देता हूँ, ठीक है। बिजनेस कार्ड हो गया, आप लोगों ने इस तरह के टैग्स जो है ना 2-3 गिग का लेने हैं, ठीक है। एक गिग का नहीं 2-3 गिग का मिक्स कर दो तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर ज़रूर आएंगे। ये तो मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए कि इस तरह से आप लोगों को लेटर हेड, ठीक है, टैग हो गए और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा इस एक स्टेप जो है ना मुकम्मल हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्राइसिंग में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है और प्रीमियम पैकेज है। अब हम देखते हैं ये बंदा बेसिक पैकेज में क्या क्या देता है। अब देखो ये जो है ना इसका बेसिक पैकेज जो है ना $30 में ये, और इसका डिस्क्रिप्शन है। अब ये देखो ये कहता है कि बेसिक पैकेज में सिर्फ बिजनेस कार्ड मिलेगा, बिजनेस कार्ड 2% डिटेल, हाई रिजोल्यूशन JPG, PDF, प्रिंट रेडी एंड एडिटेबल सोर्स 5, ये $30 में देता है, ठीक है। तो आप लोग अगर मतलब हम लिख देंगे पैकेज का नाम है बेसिक, इस पैकेज का नाम है स्टैंडर्ड, ठीक है, और प्रीमियम पैकेज का नाम है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। अब ये बंदा जो है ना $30 में ये चीज़ें देता है, तो आप मैं आप लोगों को फिर कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ यहाँ पे वही चीज़ें लिख दो जो आप दे सकते हो, ठीक है। जो नहीं दे सकते हो आप लोग यहाँ पे मत लिखो, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर दे पैकेज बना देते हैं कि $5 में जो हम $5 में हम बिजनेस कार्ड BUSINE बिजनेस कार्ड, डबल साइडेड बिजनेस कार्ड DOUBLESIDED साइडेड बिजनेस कार्ड SIDED क्या है यार, डबल साइडेड BUSINE बिजनेस कार्ड, हाई रिजोल्यूशन में हम लोग देते हैं तो हाई रिजोल्यूशन, ठीक है, और JPG फॉर्मेट JPG प्लस PNG प्लस SOURCE सोर्स फाइल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना $10 का जो है ना ये $70 का है प्रीमियम और इसका जो है ना 145, तो आप लोगों ने यहाँ पे $10 यहाँ पे $15, ठीक है। अब ये $70 में लोगो, बिजनेस कार्ड और बाकी ये चीज़ें, हाई रिजोल्यूशन वगैरह, PDF प्रिंट रेडी, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो दे सकते हो वही लिखना है, ठीक है। डबल साइडेड बिजनेस कार्ड प्लस 1 लोगो इन हाई रिजोल्यूशन JPG प्लस PNG फॉर्मेट एंड सोर्स फाइल, ठीक है।
उसके बाद आप लोगों ने करना है, मैं ये जल्दी जल्दी से कॉपी करो भाई, यहाँ पे वीडियो भी जो है ना लंबी हो रही है, तो मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को ये कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ सिंपल फिर इस गिग को मैं फिर एडिट कर दूँगा, लेकिन अभी वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैं एक ही चीज़ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर $15 में ये 145 में देता है बिजनेस लोगो प्लस बिजनेस कार्ड प्लस लेटर हेड PDF MS वर्ड कवर एनवलूप डिज़ाइन, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इस तरह लिखना है $15 में, 3 डबल साइडेड बिजनेस कार्ड, 1 लोगो एंड हाई रिजोल्यूशन JPG PNG प्लस EPS प्लस AI सोर्स फाइल। इसी तरह से आप लोगों ने ये जो है ना इस तरह से अपना खुद का पैकेज बनाना है, ठीक है। मेरा जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा हो रही है, लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी जो है ना, ये जो है ना कितने टाइम, 7 दिन, ठीक है। तो आप लोगों ने डिलीवरी आप एक दिन में अगर कर सकते हो तो एक दिन, ये 2 दिन में कर सकते हो 2 दिन, इसको 3 दिन कर देते हैं, ठीक है। रिवीजन हमेशा अनलिमिटेड रखा करो, ठीक है, रिवीजन अनलिमिटेड, कभी रिवीजन जो है ना अनलिमिटेड, इसका भी रिवीजन अनलिमिटेड, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैं एक बिज़नेस कार्ड देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 बिज़नेस कार्ड देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 बिज़नेस कार्ड देता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रिंट रेडी, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी प्रिंट रेडी, यहाँ पर भी प्रिंट रेडी, सोर्स फाइल यहाँ पे भी देता हूँ, यहाँ पर भी, ठीक है। डबल साइडेड, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ, मतलब $5 में अगर मैं यहाँ पर सब कुछ एक जैसा कर दूँ तो कोई फिर तो प्रीमियम पैकेज नहीं खरीदेगा, सिर्फ $5 का ही पैकेज खरीदेगा, ठीक है। तो वीडियो जो है ना 10 मिनट तक पूरा हो गया, इंशाल्लाह यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे, इसके बाद जो करना है वो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने पैकेज बना दिया, ठीक है, इस तरह पैकेज बनाना है, ठीक है। उसके बाद प्राइस है बेसिक पैकेज $5 का, ये $10 का, और ये जो है ना $15 का। गिग में आप फिर भी चेंजेस कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी और एडिशनल रिवीजन, इसको अब छोड़ दो, ये बाद में फिर आप इस, मतलब इसका ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी